नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीताज बालकनी गार्डन में। तो आज मैं आपको चाइनीज़ वायलेट प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ। पिछले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पिछले साल भी चाइनीज़ वायलेट प्लांट के बारे में। विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें कुछ कीड़े लगते हैं जो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर चिपके रहते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट हो तो आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए, क्योंकि वो कीड़े पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल पानी अच्छे से डाला हुआ होगा तो भी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, तो आप इसको चेक करते रहिए। और उसको पकड़ के हम निकाल भी सकते हैं, वो सूखे सूखे हुए होते हैं, ब्राउन ब्राउन से कलर के होते हैं, तो आप उनको ब्रांचेस के ऊपर पत्तियों पे वो कीड़े ना के बराबर लगते हैं। ये देखिए, ये है वो प्लांट, उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा रखी हैं। देखिए क्या हालत हो जाती है, ऐसे मुरझा जाती है पत्तियां बिल्कुल। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं सब पे आप चेक करिए, बहुत सारे हो जाते हैं। ये देखिए इस टाइप का होता है ये, इसको पकड़ के आप साइड से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। और आपको इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर, पानी का प्रेशर डालने पर भी नहीं निकलते हैं। तो अगर आप चाहते, आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप इसकी केयर इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं, कीड़े नहीं जाते हैं, तो आप कोई भी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो अभी तक तो ऐसे ही निकाल रही हूँ, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इस पर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो हमें नज़र रखनी चाहिए।